हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पीए ऐसे एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पीए ऐसे का जो एग्ज़ाम है वो कौन लोग दे सकते हैं। जो लोग GDS में है या जो लोग MTS में है या जो लोग पोस्टमैन या मेल गार्ड में है वो लोग पीए ऐसे का एग्ज़ाम दे सकते हैं। कब कब दे सकते हैं इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो जिन जीडीएस को जीडीएस में सर्विस करते हुए 5 साल हो जाती हैं वो लोग पीए ऐसे का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिन एमटीएस को एमटीएस में सर्विस करते हुए 5 साल हो जाती हैं वो भी पीए ऐसे का एग्ज़ाम दे पाते हैं। जिन पोस्टमैन या मेल गार्ड को पोस्टमैन या मेल गार्ड को उनकी सर्विस करते हुए 3 साल हो जाती हैं वो भी पीए या ऐसे का एग्ज़ाम दे पाते हैं। बेसिकली चर्चा का विषय ये है कि इनका सिलेबस क्या होने वाला है। तो जिन जीडीएस ने 17 जून 2022 से पहले ज्वाइन किया है उनको जीडीएस में रहते हुए अगर 5 साल कंप्लीट हो जाती हैं तो वो लोग पीए ऐसे का एग्ज़ाम दे पाएंगे। जिन लोगों को एमटीएस में सर्विस करते हुए 5 साल हो जाती हैं वो भी पीए ऐसे का एग्ज़ाम दे पाते हैं। जो लोग पोस्टमैन या मेल गार्ड में हैं उनको सर्विस करते हुए 3 साल हो जाती हैं तो वो भी पीए ऐसे का एग्ज़ाम दे पाते हैं। ये है डायरेक्ट एक्सपीरियंस बेस्ड एग्ज़ाम के बारे में। डायरेक्ट से मतलब है कि जिन लोगों को एमटीएस में रहते हुए या पोस्टमैन या मेल गार्ड में रहते हुए निश्चित कोटा यानी कि 5 साल और 3 साल का जो कोटा है वो सर्विस पूरी हो जाती है तो इन लोगों को ए कैटेगरी में रखा गया है। बी कैटेगरी के बारे में बात करें तो ऐसे जीडीएस जिनका प्रमोशन एमटीएस में हो गया है या ऐसे जीडीएस जिनका प्रमोशन पोस्टमैन या मेल गार्ड में हो गया है टोटल सर्विस काउंट करते हुए दोनों पोस्ट पर यानी कि जीडीएस प्लस एमटीएस या जीडीएस प्लस पोस्टमैन या मेल गार्ड अगर उनको 5 साल हो गई हैं तो वो लोग बी कैटेगरी में पीए ऐसे का एग्ज़ाम दे पाते हैं। कौन सी कैटेगरी में? बी कैटेगरी में। और जो लोग जीडीएस से डायरेक्ट पीए ऐसे का एग्ज़ाम देते हैं वो उनके लिए एक अलग से कैटेगरी है या कहें उन लोगों को सी कैटेगरी में रखा गया है। तो सबसे पहले बात करें ए कैटेगरी में। तो ए कैटेगरी में वो एमटीएस आते हैं जिनको 5 साल की सर्विस हो जाती है और पीए ऐसे का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ए कैटेगरी में वो पोस्टमैन या मेल गार्ड आते हैं जिनको पोस्टमैन या मेल गार्ड में रहते हुए 3 साल हो गई हैं और वो पीए ऐसे का एग्ज़ाम दे पाते हैं। बी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको जीडीएस प्लस एमटीएस या जीडीएस प्लस पोस्टमैन या मेल गार्ड में टोटल 5 साल हो गई हैं और पीए ऐसे का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो बी कैटेगरी में आते हैं। जीडीएस टू पीए ऐसे का जो एग्ज़ाम होता है उन्हें अलग से एक कैटेगरी यानी कि सी कैटेगरी में रखा गया है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। जब भी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है तो मेरिट लिस्ट बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो लोग ए कैटेगरी में हैं उनको वरीयता दी जाती है यानी कि उनको पहली प्रेफरेंस दी जाती है। कहने का मतलब है कि जितनी भी टोटल वैकेंसीज हैं उनमें से जब भी चयन प्रक्रिया होगी जब भी चयन होगा तो सबसे पहले ए कैटेगरी में आने वाले लोगों को लिया जाएगा, उसके बाद बी कैटेगरी में आने वाले लोगों को लिया जाता है और वैकेंसी बचती हैं तो यानी कि सी कैटेगरी या कहें जीडीएस में से पीए ऐसे का चयन होता है। तो सबसे ज़्यादा हाई चांसेस हैं आज की डेट में पीए बनने के वो हैं ए कैटेगरी के। किनके हैं? ए कैटेगरी के। उसके बाद चांसेस हैं बी कैटेगरी के यानी कि जो लोग बी कैटेगरी में हैं उनके भी थोड़े बहुत चांसेस हैं। कितने चांसेस हैं? थोड़े बहुत चांसेस हैं। और जो लोग सी कैटेगरी में हैं यानी कि जीडीएस में हैं उनके लिए पीए ऐसे में जाने के लिए ना के बराबर चांसेस हैं यानी कि नेग्लिजिबल या कहें नगण्य या कहें शून्य के बराबर उनके चांसेस हैं या कहें
कुछ परसेंट ही उनके चांसेस है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जो लोग ए कैटेगरी में है वो लोग पीएएसए की एग्जाम की तैयारी करते रहे, जो लोग बी कैटेगरी में है वो भी तैयारी करते रहे, सी कैटेगरी के लोग तैयारी कर सकते हैं लेकिन वो लोग गॉड की फेथ पर यानी कि भगवान भरोसे चल सकते हैं, उनके जो चांसेस हैं वो ना के बराबर होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सी कैटेगरी के जो लोग हैं हो सकता है कि वो लोग पीएएसए की तैयारी ना करने की बजाय वो लोग पोस्टमैन मेलगाड़ी या एमटीएस की तैयारी करें तो उनको ज्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकता है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आज की चर्चा का विषय है सिलेबस। सिलेबस में पीएएसए एग्जाम के लिए एक शिफ्ट में दो पेपर होंगे, पेपर एक और पेपर दो। पेपर एक से बनती है आपकी मेरिट, यानी कि जितने भी नंबर होंगे पेपर एक में, जिसके ज्यादा होंगे उनको सबसे पहले लिया जाएगा, जिनके कम नंबर होंगे उनको बाद में लिया जाएगा। सेकेंड पेपर होता है क्वालिफाइंग नेचर का, यानी कि इसको आपको सिंपली पास करना है। तीसरा पेपर जिसे हम लोग टाइपिंग या टेस्ट कहते हैं, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें भी सिंपली आपको पास होना होता है। तो सिंपली हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, पेपर एक का और पेपर एक पर ही हम लोगों को फोकस करना है, और उसमें भी हम लोगों को डिपार्टमेंटल टॉपिक्स को ही फोकस में करना है। इसके अलावा आप लोग मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए और जीके के लिए जो भी आपकी क्लासेस, या तो आप लोग ऑनलाइन ले सकते हैं अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो, या बुक्स जो भी आपकी बहुत अच्छी बुक्स हैं इनको आप लोग प्रेफर कर सकते हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सिलेबस में सबसे पहले है पेपर एक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन हैं आपके डिपार्टमेंटल, पार्ट बी में मैथ्स में से हैं आपको 20 क्वेश्चन, मैथ्स में से हैं 20 क्वेश्चन, और इसके अलावा रीजनिंग में से कितने हैं, रीजनिंग में से हैं 20 क्वेश्चन, इसके अलावा जीके में से हैं 10 क्वेश्चन, यानी कि इस तरीके से टोटल 50 क्वेश्चन कहाँ से हैं, बी पार्ट में 50 क्वेश्चन ही आपके हैं ए पार्ट में, यानी कि ए पार्ट और बी पार्ट में टोटल 50-50 क्वेश्चन हैं, और एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं, और आपको इनको हल करने के लिए 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का समय मिलता है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक नंबर का, टोटल 50 नंबर के, और उसमें आपके क्या सिलेबस है, डिपार्टमेंटल सिलेबस है। सबसे पहले आपका पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट एक, उसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है, टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर वाला टॉपिक वो नहीं पढ़ना है, और पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट एक में से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट टू, इसमें से आपको ब्रिटिश और इरिश पोस्टल ऑर्डर के बारे में जो टॉपिक्स हैं वो नहीं पढ़ने हैं, यहाँ से भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में है बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, या सिंपली कहें आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012, यहाँ से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चौथा टॉपिक है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी कि पोस्ट ऑफिस के जो उत्पाद और सेवाएं हैं जिनमें मेल्स, बैंकिंग एंड रेमिटेंस, इंश्योरेंस, स्टैम्प्स और बिजनेस आती हैं, यहाँ से भी आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसका जो रेफरेंस है वो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट माना जाएगा, यानी कि अगर आपको कोई क्वेरी है तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जो आंसर दे रखा है वो सही माना जाएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट नंबर 5, उसमें है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 1, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 3, जिसमें से आपको चैप्टर 1 और 2 पढ़ने हैं, और एसवी ऑर्डर्स जिस साल आपका एग्जाम होगा उसके पिछले वाला साल, जैसे 2024 के लिए आप लोग तैयारी करोगे तो 2023 के जो एसवी ऑर्डर्स हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, और इन तीनों टॉपिक्स में से टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 5 क्वेश्चंस आपसे कहां से पूछे जाएंगे, वॉल्यूम 7 और फॉरेन पोस्ट मैनुअल से टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपको टोटल यहां से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल आपका स्कोर हो गया 10 क्वेश्चंस प्लस 5+5 यानी कि 10 क्वेश्चंस, टोटल आपके कितना हो गया, टोटल आपके हो गए 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। नेक्स्ट पार्ट बी में, पार्ट बी में है आपके 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जीके से, और उसके लिए टॉपिक है भारत का भूगोल, सिविक्स, जीके, भारत का कल्चर और फ्रीडम स्ट्रगल, एथिक्स और मोरल स्टडीज, यहां से आपसे जीके से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे।
20 क्वेश्चंस आपसे मैथ से पूछे जाएंगे और एक टॉपिक में से दो से तीन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और टॉपिक्स है, पहला है आपका बोर्ड मास, दूसरा है परसेंटेज, तीसरा है प्रॉफिट एंड लॉस, चौथा है सिंपल इंटरेस्ट, पांचवा है एवरेज, छठवां है टाइम एंड वर्क, सातवां है टाइम एंड डिस्टेंस और आठवां है यूनिटरी मेथड। उसके बाद में रीजनिंग में से आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं वो है नॉन वर्बल और पिक्टोरियल। नॉन वर्बल और पिक्टोरियल का मतलब है कि जो फिगर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर 10+20+20 यानी कि 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के हो जाएंगे। और इस तरीके से आपका पेपर एक जो कि पार्ट ए और बी में डिवाइडेड था 50-50 क्वेश्चंस का था, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के आपके हो जाएंगे। पेपर सेकंड के बारे में बात करें, पेपर सेकंड में आपको 50 अंक का होगा, इसमें आपको 10 क्वेश्चंस नहीं आपको मिलेंगे, 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज से आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करने के लिए 15 क्वेश्चंस और लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए 15 क्वेश्चंस, यानी कि इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश। इस तरीके से आपको 15+15 यानी कि 30 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू मिलेंगे और एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, यानी कि 30 क्वेश्चंस आपको 30 नंबर के मिलेंगे। और 2 क्वेश्चंस में आपको, एक में आपको लिखना है पैराग्राफ लोकल लैंग्वेज में, आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी में लिखना है और कोई अदर लैंग्वेज है तो उसमें लिखना है। दूसरा एक पैराग्राफ और एक है आपका ऐसे यानी कि निबंध, ये आपके दोनों 10-10 नंबर के हैं, 2 क्वेश्चंस 10+10 यानी कि 20 हो गए और 30 आपके एमसीक्यू यानी कि टोटल 50 नंबर के कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, 30 क्वेश्चंस ये हो गए और 1+1 यानी कि 2 क्वेश्चंस ये हो जाएंगे, 32 क्वेश्चंस आपके 50 मार्क्स के होंगे। इसमें से 30 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू है, 2 क्वेश्चंस में आपको लिखना है जिसे डिस्क्रिप्टिव नेचर का कहते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। टोटल 32 क्वेश्चन 50 अंक के हो जाएंगे। जो 2 क्वेश्चंस आपको, जिसमें आपको एक में पैराग्राफ लिखना है और एक में आपको निबंध लिखना है, इसमें भी आप लोगों को 3-3 चॉइसेस मिलेंगे, यानी कि 3 टॉपिक में से किसी एक पर पैराग्राफ, किसी 3 में से एक पर आपको पैराग्राफ और लेटर होगा आपका, पैराग्राफ प्लस लेटर राइटिंग होगा, पैराग्राफ प्लस लेटर राइटिंग है, यानी कि या तो आप लोग निबंध या पैराग्राफ लिखें या फिर आपको पत्र लिखना है, पत्र लिखना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरा जो आपका एग्जाम होगा डेस्ट का, इसके लिए आपको समय समय पर इसमें चेंजेस होते हैं, इसलिए आप लोगों को पेपर 3 नहीं करना है, अभी से इसका ध्यान नहीं रखना है। पेपर 3 आपको एग्जाम से पहले जो भी आपके रूल्स हैं वो ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखें कि इसमें आपको सॉल्व करने के लिए 15 मिनट मिलती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। इस तरीके से टोटल आपके 3 पेपर होंगे, 3 पेपर में से एक पेपर जो कि 100 क्वेश्चंस का होगा, ये पूरा एमसीक्यू नेचर का है। पेपर सेकंड में आपको 30 क्वेश्चंस एमसीक्यू के 2 लिखने हैं, 2 में एक में पैराग्राफ लिखना है और एक में लेटर लिखना है। तीसरा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोग तीनों एग्जाम के सिलेबस को नोट डाउन कर लेंगे और आप लोग अभी से पीएएसए की तैयारी कर सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड, ये है अंत इस वीडियो का, धन्यवाद।